डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार एज ए यूनिवर्सिटी टीचर फ्रॉम श्रीमती किरण देवी इंटर कॉलेज नौसिल मथुरा। आज हम 12th क्लास का पोइम पढ़ेंगे द ट्री ब्यूटी बाय थॉमस क्रू। वास्तव में इस कविता के माध्यम से पोइट थॉमस क्रू ने यह बताने की कोशिश की है कि यह सच्ची सुंदरता ट्री ब्यूटी सच्ची सुंदरता क्या है। क्या कोई व्यक्ति जिसकी चमड़ी सफेद है, गाल गुलाबी हैं, होठ मूंगे जैसे हैं, क्या वो वास्तव में सुंदर है? पहले स्टैंजा, दो स्टैंजा दिए गए यहाँ पे। पहले स्टैंजा में कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी को उसकी शारीरिक सुंदरता के आधार पर प्रेम करता है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है ये शारीरिक सुंदरता नष्ट होती चली जाती है। और दूसरे स्टैंजा में कभी उस वास्तविक सुंदरता की बात करता है जिसमें एक प्रेमी या प्रेयसी अपने प्रेमी को शांत इच्छाओं, एक जैसे रहने वाले मस्तिष्क और सज्जनता के विचारों से प्यार करते हैं। इस प्रकार का प्यार उम्र के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि ये और अधिक बढ़ता चला जाता है। तो इस कविता के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि वास्तव में सुंदरता क्या है। नाउ कम टू द पॉइंट, पहला स्टैंजा देखेंगे। पहला स्टैंजा देखेंगे ट्रिब्यूटी का, ही दैट लव्स अ रोजी चीक। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, किताब खोल के देख लीजिएगा। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आई दैट सीक यू टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट। अभी अर्थात ही दैट लव्स ए रोजी चीक, एक ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है और एक कोरल लिप्स एडवायर्स, एडवायर्स प्रशंसा करना, कोरल लिप्स मूंगे जैसे होंठ, और उसके मूंगे जैसे होंठों की सदैव प्रशंसा करता है और फ्रॉम स्टार लाइक आई गट सीक, और फ्रॉम स्टार लाइक आई गट सीक, सीक का मतलब तलाश करना, सर्च करना, और उसके सितारे जैसी आंखों में सदैव तलाश करता रहता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता रहता है। दोबारा देखें इसे पहले से। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडवायर्स, एक ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है और फ्रॉम स्टार लाइक आईज दैट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसके सितारे जैसी आंखों में सदैव ईंधन तलाशता रहता है। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट। अभी अभी कहता है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी, जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी ये सब नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जो भी शारीरिक सुंदरता है, ये गुलाबी कपोल, ये मूंगे जैसे होंठ, ये सितारे जैसी आंखें वृद्धावस्था आने पर समाप्त हो जाएगी और इस तरीके से उनका प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। तो कभी भी यहां हमें शारीरिक सुंदरता के विषय में बताया है कि शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है, शारीरिक सुंदरता इज अ टेम्परेरी वन। अगले स्टैंजा में देखेंगे बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, काइंडली नेवर डाइंग फायर्स वेयर दीज आर नॉट, आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, परंतु एक ऐसा प्रेमी जो सदैव स्थिर रहने वाले, सदैव दृढ़ रहने वाले मस्तिष्क से प्रेम करता है, जेंटल थॉट्स और अपनी प्रेमिका के सज्जनता के विचारों से प्रेम करता है, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं से प्रेम करता है, हार्ट्स विद इक्वल, हार्ट्स हृदय समान बने रहते हैं लव कंबाइंड प्रेम में मिलने के लिए, ऐसे लोगों के हृदय
प्रेम में जुड़ने के लिए सदैव ही समान बने रहते हैं। काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, काइंडली नेवर डाइंग कभी समाप्त नहीं होती, कभी नहीं मरती फायर्स इनकी प्रेमाग्नि। ऐसे लोगों की प्रेमाग्नि कभी भी शांत नहीं होती जो सज्जनता के विचारों से प्रेम करते हैं, शांत इच्छाओं से प्रेम करते हैं और मजबूत और एक जैसे बने रहने वाले मस्तिष्क से प्रेम करते हैं। वेयर दीज आर नॉट, कभी कितने बढ़िया शब्द कहता है, वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सब नहीं है। ये सबसे मतलब है दीज, दीज का मतलब है यहां पे स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं, सज्जनता के विचार, मजबूत मस्तिष्क और एक जैसा बने रहने वाला मस्तिष्क, जहां ये सब नहीं है। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं लवली चीक्स, उन गुलाबी गालों से, और लिप्स उन मूंगे जैसे होठों से, और सितारे जैसी आंखों से। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दो तरीके की सुंदरताएं बताई, शारीरिक और मानसिक, या टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी ब्यूटी समय के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि परमानेंट ब्यूटी समय के साथ साथ और बढ़ती चली जाती है। एक्सप्रेशन देखते हैं हम, ही दैट से लेकर के अभी तक, पहले स्टैंड जाकर ही दैट से लेकर के मस्ट वेस्ट अवे। देखें, He that loves a rosy cheek or coral lips admires. He that loves a rosy cheek. दोबारा देखें इसे। In this poem, the poet tells us about the beauty. There are two types of beauty. One is temporary one and second one is permanent. Temporary beauty is destroyed as well as time goes. But permanent beauty is always equal, either in young age or in old age. So in very first stanza, the poet tells us about the temporary beauty, it means physical beauty. Kabhi kehta hai, he that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star like eyes that seek fuel to maintain his fires. A lover who loves his be loved on the base of physical beauty. A lover who loves his be loved on the base of physical beauty. It means a lover who loves his beloved, his rosy cheeks, coral lips. This type of beauty is not permanent as well as that time goes. This type of beauty became died. And the person or the lover who search always his love in the star-like eyes of his beloved. Although he wanted to love for and forever, but when this beauty, it means the rosy cheek convert into pimples, the coral lips convert into dry lips, and these star-like eyes in the eyes which looks star-like in young age, but in the old age these star-like eyes convert into darkness. Then this type of love became dying. In the next times, as old time make these decay, so his flames must rest away. The poet says, as well as time goes on, as well as the lover became old, their love will also old. There is no love because he loved on the base of attraction of physical. But in the old days, there is no attraction in her eyes, lips or cheeks. So such type of beauty is a temporary one. Second stanza dekhenge, but a smooth and steadfast mind se lekar ke
और आईज तक। सेकेंड स्टैंजा देखेंगे बट ए स्मूथ एंड फास्ट माइंड से आईज तक, लास्ट तक बिल्कुल। देखें बट ए स्मूथ एंड फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड काइंडली नेवर डाइंग फायर्स वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स लिप्स और आईज बट ए स्मूथ एंड डिस्टर्ड फास्ट माइंड ए लवर हु लव्स हिज बीलव्ड ऑन द रियल ब्यूटी ऑन द इटर्नल ब्यूटी ए पर्सन हु लव्स हिज बीलव्ड ऑन द बेस ऑफ परमानेंट ब्यूटी इट मीन्स द मीन्स ऑफ परमानेंट इज रियल ब्यूटी इटर्नल ब्यूटी द बेस ऑफ थॉट्स एंड माइंड्स ए पर्सन हु लव्स हिज बीलव्ड ऑन द बेस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी इट मीन्स ही लव्स हिज जेंटल थॉट्स He does not love his eyes, but he loves his her gentle thoughts and heart, which always looks equal in the young age or in the old age. Next line dekhiyega. Hearts with equal love of mind kindly never dying fires. A person who loves his beloved on the base of spiritual beauty, their heart always combined, always mixed with one another because they love their thoughts. It means their peaceful thoughts, gentle thoughts, calm desires and same the necessary of permanent beauty. It means a person who loves his beloved on the base of spiritual beauty, his love will never die because there is no change in spiritual beauty. As we see in first stanza, the the physical beauty convert in the old days, but the spiritual beauty does not change in old age. This type of beauty will equal either in young age or in the old age. Last line dekhiyega, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. The poet says, I hate those persons who loves his beloved on the base of physical beauty, who loves his beloved with rosy cheeks, coral lips or star-like eyes. The poet says, the person who does not have gentle thoughts, peaceful desires, smooth and steadfast mind, the person does not have these things. He hates those persons who loves his beloved on the base of rosy cheeks, coral lips or star-like eyes. इस तरीके से आपकी ये पोइम क्लियर हुई और इसका रेफरेंस जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको अपनी नोटबुक में करना है और कल इससे आगे चलेंगे आज आपको इसका नोटबुक बनाना है और नोटबुक में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है।